गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट मतलब संवेगात्मक विकास। तो जीवन में संवेगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है तथा व्यक्ति के व्यक्तिक एवं सामाजिक विकास में संवेगों का अमूल्य योगदान होता है। लगातार संवेगात्मक असंतुलन अस्थिरता व्यक्ति के वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करती है। कई प्रकार की शारीरिक मानसिक और सामाजिक समस्याओं को भी उत्पन्न करती है। संवेग है क्या, सबसे पहला चीज हमको जानना चाहिए, है ना। तो संवेग से तात्पर्य ऐसी दशा जिसमें व्यक्ति अधिक से अधिक शारीरिक स्थिति में परिवर्तन करता है तथा किसी कार्य को सीखने और उसके सामाजिक नैतिक तथा चारित्रिक विकास भी प्रभावित होता है। संवेगात्मक विकास के संबंध में मनोवैज्ञानिकों के मत। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं। ये सीखने या अनुकरण से प्रभावित नहीं होती हैं। संवेग मूल प्रवृत्ति का केंद्रीय अपरिवर्तनशील तथा आवश्यक पहलू है। वैलेंटाइन के अनुसार, जेम्स वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरह से परिभाषित किया है। हार्लॉक के अनुसार, कोल एवं ब्रूस के अनुसार, तो इसमें सबसे प्रमुख आपको क्या है, मैकडूगल के अनुसार जानना है। ये एग्जाम में आते ही रहता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मूल प्रवृत्तियाँ क्या हैं, जन्मजात होती हैं, यह सीखने या अनुकरण से प्रभावित नहीं होती हैं। संवेग मूल प्रवृत्ति का केंद्रीय अपरिवर्तनशील तथा आवश्यक पहलू है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद संवेगों की विशेषताएं, लोप, विचार प्रक्रिया का लोप संवेगों के समय हो जाता है। सार्वभौमिक, संवेग सार्वभौमिक होते हैं। गति, संवेगों की गति तीव्र होती है। जागृत, संवेगों में तीव्रता होने से व्यक्ति के अंदर एक तूफान जागृत कर देता है। जागृत का मतलब क्या है, वो संवेगों में तीव्रता होने से व्यक्ति के अंदर एक तूफान जागृत करता है। मतलब तूफान जागृत करने का मतलब क्या है, इमोशनली एक्टिव कर देता है। एक ही स्थिति में भिन्न भिन्न व्यक्तियों में संवेगों की मात्रा अलग अलग होती है। संवेगों की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है। प्रत्येक संवेग किसी न किसी मूल प्रवृत्ति से संबंधित होता है। प्रत्येक संवेग क्या होता है, संवेगों की उत्पत्ति कहाँ से होता है, मूल प्रवृत्तियों से। तो ये प्रत्येक संवेग किसी न किसी मूल प्रवृत्ति से संबंधित
होता है। ठीक है, परिवर्तन संवेग के समय व्यक्ति के व्यवहार के संपूर्ण स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। संवेग में सुख या दुख की भावना निहित होती है। संवेगात्मक स्थिति में व्यक्ति दुख या सुख का अनुभव करता है। ठीक, संवेग में सुख या दुख की भावना निहित होती है। संवेगात्मक स्थिति में व्यक्ति दुख या सुख का अनुभव करता है। संवेगों की प्रकृति अस्थायी होती है, अर्थात संवेगों में अस्थिरता होती है। अनुभव, संवेग का अनुभव किसी निश्चित वस्तु के संबंध में किया जाता है। तो संवेग के प्रकार कुल मिला के ये जो 14 संवेग हैं, यही बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें मैकडूगल के द्वारा दिया हुआ प्रत्येक बालक में अलग अलग प्रकार के संवेग होते हैं। प्रत्येक बालक में अलग अलग प्रकार के संवेग होते हैं। संवेग पर मनोवैज्ञानिकों का अपनी अपनी मंतव्य विचारगत कथन है। तो मैकडूगल ने संवेगों को 14 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, तो संवेग कितना है? 14 मूल प्रवृत्तियों पर आधारित हैं, जिसे भय, जब किसी को किसी चीज़ का भय होगा तो क्या करेगा? भागने लगेगा वहाँ से ना। तो ये मूल प्रवृत्ति है। अगर कोई कहीं से आपको भागता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो कुछ चीज़ को डर रहा है, इसलिए भाग रहा है। क्रोध जो है, ईर्ष्या, युद्ध, प्रियता, जब कोई लड़ने को तैयार हो जाए, इसका मतलब वो क्या है? क्रोध में है। घृणा, विकर्षण, जब कोई किसी चीज़ से दूरी बनाने लगे, मतलब उसके प्रति अलगाव हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे कि उसको घृणा हो गया है। कष्ट जब होगा तो शरणागति, जब किसी को कोई चीज़ का कष्ट होगा तब क्या करेगा? शरणागति। शरणागति ये मूल प्रवृत्ति है। अगर कोई शरणागत दिख रहा है, इसका मतलब उसको कोई ना कोई कष्ट है। शरणागत का मतलब क्या होता है? इंसान झुका हुआ होगा। ठीक है, उसकी भावनाएं क्या होंगी? एकदम डाउन होंगी, झुका हुआ होगा, मतलब वो किसी न किसी मजबूरी परेशानी में होगा। ठीक है, वात्सल्य क्या होता है? शिशु रक्षा, वात्सल्य, वत्सल बोलते हैं ना, वत्सल, वत्सल का मतलब क्या होता है? दया करना। तो शिशु रक्षा, संतान कामना, अगर किसी को शिशु रक्षा, संतान कामना इससे संबंधित कुछ ऐसा है तो उसको वात्सल संवेग को बोलेंगे। काम, मूल प्रवृत्ति क्या है? काम। संवेग क्या है? कामुकता। जिज्ञासा मतलब मूल प्रवृत्ति है जिज्ञासा, और उसमें क्या होगा? संवेग क्या होगा? आश्चर्य। आत्महीनता, अधीनता की भावना, आत्मगौरव, आत्म प्रदर्शन, श्रेष्ठता की भावना, सामूहिकता, एकाकीपन, भूख, भोजनावेषण, भोजन की तलाश करेगा, जब भूख लगेगा तो भोजन की तलाश नहीं करेगा। अगर कोई भोजन की तलाश कर रहा है, इसका मतलब क्या है? उसको भूख लगा है। संचय करना, संग्रह करना, अधिकार की भावना, रचना, रचना का आनंद, और हास्य, हास्य का बोलेंगे आमोद। ठीक है क्या? तो आगे देखेंगे डेकार्त, डेकार्त है ना,
इसमें ये जो डेकार्ट है इन्होंने संवेगों को 6 भाग में विभाजित किया है जो निम्न है, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे डेकार्ट के बारे में। यहाँ पर आपको मेन चीज़ क्या जानना है, मैकडूगल का 14 मूल प्रवृत्तियों को जानना है, 14 भाग में विभाजित किया गया है, ठीक है। बस प्रमुखता से इसी पर आपको ध्यान देना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।